गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम प्रीत तिवारी है और आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ साड़ी के लिए बहुत ही सुंदर सा हेयर स्टाइल। तो अगर आप साड़ी पहनते हो तो ये हेयर स्टाइल काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है आप लोगों को के लिए, और शादी में पार्टी में आप इस तरीके से हेयर स्टाइल बना सकते हो। तो चलिए ज़्यादा बातें ना करते वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले आपको अपने क्राउन एरिया से थोड़े से हेयर लेने हैं और हल्का सा पफ क्रिएट करना है, ज़्यादा ऊँचा पफ नहीं करना है। ओके, तो मैंने यहाँ पर क्लिप्स निकाल दी हैं और अपने क्राउन एरिया से इस तरीके से बीच की मांग छोड़ते हुए इस तरीके से, तो अपने क्राउन एरिया से पहले ईयर टू ईयर पार्टिंग ले लेंगे इस तरीके से दोनों साइड से। उसके बाद पूरा आपको यहाँ पे बड़ा वाला पफ बनाना है, लेकिन ऊंचा नहीं बनाना है, फ्लैट ही रहेगा। इस तरीके से लेना है हेयर को। हल्का सा बालों को आगे की तरफ पुल करते हुए और यहाँ पे क्लिप लगा देना है। एक हाथ से बालों को होल्ड किए रहिए और दूसरे हाथ से आप क्लिप लगा सकते हो। क्लिप को हमेशा ऐसे क्रॉस करोगे तो आपका, अगर बहुत भारी बाल है मतलब वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है तो बाल आपके नीचे की तरफ नहीं सरकेंगे, नहीं तो सरक जाते हैं कई बार हमारे बाल। और आप चाहो तो अच्छे से होल्ड करने के लिए दो तीन क्लिप और लगा सकते हो, तो मैं यहाँ पे दो और लगा दे रही हूँ। ओके, तो ये हमारा पफ बन चुका है। अभी हमको साइड में कैसे बनाना है, बीच की मांग अच्छे से निकाल लेती हूँ मैं। यहाँ से थोड़े से हेयर लेने हैं, इनको थ्री पार्ट्स में डिवाइड करना है। ओके, इस तरीके से, और उल्टी चोटी जैसे हम लोग बनाते हैं वैसे आपको यहाँ पे बनाना है। आराम आराम से बनाइएगा तो जल्दी से बन जाएगा। और भी बहुत सारी हेयर स्टाइल्स की वीडियोज आपको मेरे चैनल पे मिल जाएंगी। इस तरीके से ब्राइड बनाते हुए थोड़े थोड़े हेयर्स दोनों तरफ से लेते जाएंगे। और फ्रेंच ब्राइड बनाते जाएंगे यहाँ पे। ओके, इसी तरीके से पूरा एंड तक गुथेंगे, चोटी बना लेंगे, मतलब फ्रेंच चोटी। आपको लेयर्स निकालनी है तो आप पहले ही निकाल दीजिएगा, बाद में आप निकालोगे तो अच्छे से नहीं निकलेगा लेयर्स और आपका हेयर स्टाइल भी ख़राब हो सकता है। तो दोनों साइड से इस तरीके से हेयर लेते हुए ब्राइड कंप्लीट करेंगे। तो मैंने ये लेयर्स निकाल दिए हैं और इसको पूरा एंड तक चोटी को बना लेंगे। जब पूरी कंप्लीट ब्राइड आपकी बन जाए तो आपको थोड़ा थोड़ा इसको खींच लेना है ताकि आपकी जो चोटी है उसमें थोड़ा वॉल्यूम दिखे, मतलब घनी लगे आपकी चोटी। आजकल बालों की झड़ने की समस्या बहुत ज़्यादा होती जा रही है, तो उसके लिए गाइस जब मुझे बहुत कमेंट भी आ रहे थे कि मैम कोई हेयर फॉल के लिए कुछ टिप्स बताइए, तो आप पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीजिए और थोड़ा अपने खाने में तीखा कम कीजिए, कोल्ड ड्रिंक्स अवॉइड कीजिए और शैम्पू एक बार अपना चेंज कर लीजिए, कोई माइल्ड शैम्पू ले लीजिए और बालों को अच्छे से क्लीन रखिए। ऐसा नहीं है कि आप बार बार वॉश करोगे तो आपके हेयर फॉल होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो आप बालों को अच्छे से क्लीन रखिए, अपना शैम्पू चेंज कर दीजिए और पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीजिए, तो आपका हेयर फॉल का जो प्रॉब्लम है ना वो धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगा। मेरा भी एक टाइम पर बहुत ज़्यादा हेयर फॉल होता था,
फिर मैंने थोड़ा सा अपने डाइट में चेंजिंग किया जिसकी वजह से मेरे हेयर अच्छे हैं। और ऑयल लगा के बहुत ज़्यादा बालों को मत रखिए, जब आपको हेयर वॉश करना हो उससे एक दिन पहले या फिर एक घंटे पहले आप ऑयल लगा दीजिए। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पे बना लिया है, सेम इसी तरीके से आपको, और इसको मैंने इस क्लिप के पास ले जा कर सेट कर दिया है। इसी तरीके से इस साइड भी बना लेना है, इस साइड भी मैंने बना लिया है। अब आपको क्या करना है, सारे बालों को लेना है और एक पोनी बना लेनी है बैक में। बहुत ज़्यादा लो नहीं बनानी है पोनी, थोड़ी सी हाई बनानी है। ओके, ओके। उसके बाद से एक डोनेट लेना है और बालों पे इस तरीके से लगा देना है रबड़ के ऊपर। डोनेट लगाने के बाद से बालों को टू पार्ट्स में डिवाइड करना है। ओके, टू पार्ट्स में डिवाइड करके बालों को अच्छे से डोनेट के ऊपर फैलाना है और एक पतला वाला रबड़ बैंड ले लेना है डोनेट को अच्छे से हाइड करते हुए। रबर बैंड को डोनेट के ऊपर इस तरीके से लगा देना है। ओके, उसी वजह से सारे बालों को इस तरीके से आपस में ट्विस्ट करते जाना है। थोड़ा सा हेयर ले लीजिए ऊपर से, टू पार्ट्स में डिवाइड कर लीजिए और ट्विस्ट करते जाइए। साइड से हेयर देते जाइए और ट्विस्ट, आपस में ट्विस्ट करते जाइए इसको। बहुत ही प्यारा सा आपका बन बन के यहाँ पे रेडी हो जाएगा। थोड़े थोड़े हेयर लेते जाइए और आपस में इसको ट्विस्ट करते जाइए। और बन के चारों तरफ लपेट दीजिए और यू पिन से इसको सेट कर दीजिए। और ये बहुत बहुत ही सुंदर सा आपका बन यहाँ पे बनके रेडी हो जाएगा। तीन चार यू पिन्स लगा दीजिएगा और ये बहुत सुंदर सा पार्टी बन, सेल्फ पार्टी बन हेयर स्टाइल साड़ी के लिए बन जाएगा। तो आप ट्राई ज़रूर कीजिएगा और आपको कैसा लगता है मेरे बताने का तरीका वो भी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और मेरा इंस्टा आईडी प्रीत तिवारी 24 है, तो वहाँ पे भी जाके आप मुझे फॉलो कर सकते हो। अगर आप कोई हेयर स्टाइल बना के मुझे दिखाना चाहते हो और कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो आप मुझे वहाँ पे मैसेज कर सकते हो पर्सनली। तो ये मेरा हेयर स्टाइल बन के रेडी हो चुका है, मैं आपको फाइनल लुक दिखाती हूँ। तो आई होप कि आपको आज का हेयर स्टाइल अच्छा लगा हो और पसंद आया हो। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर करें। आपको मेरे बताने का तरीका कैसा लगता है ये भी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आप चाहो तो इसको डेक यू पिन से सेट कर सकते हो और भी खूबसूरत लुक देने के लिए, जुड़ जो स्टोन्स वाले यू पिन आते हैं। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। और मुझे मेरे दूसरे चैनल पर मुझे जाके ज़रूर चेकआउट कीजिएगा। दूसरे चैनल पर मैं अपनी सिलाई से रिलेटेड वीडियो अपलोड करते रहती हूँ और उस चैनल को भी सपोर्ट कीजिएगा। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए और मुझे ऐसे ही सपोर्ट करते। बाय बाय, लव यू ऑल।